गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू वाई फाई स्टडी इज द पाटन अकेडमी। स्वागत करता हूँ आप सभी का, मैं आदि गौतम। कैसे हो भाई सब लोग, जल्दी जल्दी बता दो, आवाज़ वगैरह सब ठीक है? जल्दी से बताइए, आवाज़ ठीक है, कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? आवाज़ क्लियर है? कोई भी प्रॉब्लम है तो जल्दी बताओ और जल्दी से इसको शेयर कर डालो। राशीश कुमार, कंचन, देवेंद्र, मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ, जल्दी से इसको शेयर कर दो बेटा। जय हो जय हो। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, लेकिन जल्दी से इसको आप लोग एक बार शेयर ज़रूर कर दो। एक बार फिर से देख लेता हूँ, बिल्कुल ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। चलिए भाई, आज का गुड इवनिंग सब बीच बीच में थोड़ा सा हो जाता है, बीच बीच में थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है, अभी ठीक है, ठीक है ना, अभी तो ठीक है, अभी ठीक है। अभी ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अभी ठीक है बच्चा, अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अभी, है ना, अभी सही चल रहा है, कर लेते हैं हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, अभी ठीक है, बिल्कुल सही है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अभी ठीक है। अभी ठीक है ना, मुझे तो यहाँ से सही दिख रहा है। सोवित बेटा मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मैं कर स्टार्ट कर लेता हूँ, जल्दी से स्टार्ट कर लेता हूँ, अभी क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आपका इन्फॉर्मेशन आपके लिए, अनअकैडमी पर जुड़ने के लिए कोड आपको यूज़ करना होगा मेरा अनादि10। अब जल्दी से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ये CBSE के क्लासेस के लिए हमारा चैनल है, 9 से लेकर 12 तक की क्लासेस के लिए इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम के लिए डिफेंस एग्जाम वाला चैनल हो गया, और लाइव टेस्ट के लिए वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट आपका हो गया। यूज़ कोड ANADI10 फॉर किसके लिए, अनअकैडमी। चलिए जल्दी शेयर कर दो, सर स्टार्ट हो चुके क्लास बेटा। पहला क्वेश्चन हमारा जो है, पहला जो क्वेश्चन है क्या है, जिप्सम चौक लाइमस्टोन आर द एग्जाम्पल ऑफ, जल्दी से मेरे को बता दो ये क्या है, जल्दी से बताइए, जिप्सम चौक लाइमस्टोन और लाइमस्टोन किसके एग्जाम्पल है, जिप्सम चौक चूना पत्थर ये किसके एग्जाम्पल है, मेटामॉर्फिक रॉक मतलब कायंतरित चट्टान, अवसादी चट्टान, या आग्नेय मतलब मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री इग्नीशियस या प्राइमरी रॉक्स। प्राइमरी रॉक तो देखो ऐसे इग्नीशियस होती है, इग्नीशियस को प्राइमरी ही बोलते हैं, तो कौन सा होना चाहिए इसका करेक्ट, क्या होना चाहिए, जल्दी से आप लोग मेरे को बता दो। तरबूज खा रहे हो आप हैं अभिषेक जी, जल्दी से बता दो कौन सा होना चाहिए करेक्ट आंसर इसका, क्या है इसका जो करेक्ट आंसर है भाई आपका वो क्या होगा। हाँ अभी ठीक है, मैं बीच में जानबूझ के थोड़ा सा चेक करता रहूँगा, कभी कभी हो जाता है प्रॉब्लम। तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा सेडिमेंट्री अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है दीपशिखा या दीपिका जो भी हैं। नेक्स्ट है बुशमैन, बुशमैन निम्न में से किस महाद्वीप के वासी हैं, बुशमैन आर द नेटिव पीपल फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट, कौन से कंट्री में, कौन से कॉन्टिनेंट में, कौन से महाद्वीप में बुशमैन पाए जाते हैं, कौन से में पाए जाते हैं, जल्दी जल्दी बता दो भाई। रणवीर सिंह, रणवीर सिंह, जितेंद्र, तेजस्वी, जल्दी बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, जल्दी जल्दी बताओ मेरे को। PDF मिलती है बेटा, PDF इसकी क्लास में मिल जाती है, क्लास के बाद में मिल जाएगी, 1-1.5 घंटे बाद आपको कंफर्म मिल जाएगी, ठीक है ना, वाईफाई स्टडी के लिंक पर मिल जाती है। तो इसका जो है क्या है भाई, अफ्रीका इज द करेक्ट आंसर, अफ्रीका में बुशमैन है। नेक्स्ट होता है चोमोलुंगम, चोमोलुंगा जो है वो कहाँ पर है, चोमोलुंगा जो है वही सागरमाथा है, चोमोलुंगा क्या है, वही आपकी सागरमाथा भी है, सागरमाथा भी उसी को कहते हैं, और वही जो है आपका, वही आपका माउंट एवरेस्ट, आप तो बता दो कहाँ है,
माउंट एवरेस्ट का नाम जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया, ये पता है ना। माउंट एवरेस्ट में जो एवरेस्ट है वो एक ब्रिटिश हुए हैं, जॉर्ज एवरेस्ट, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया था, जिन्होंने इसकी खोज की थी उन्हीं के नाम पर इसका नाम दिया गया था, जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर, जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रिसर्च किया उन्होंने इसके ऊपर, ठीक है। तो कहाँ पर है ये? नेपाल में है भाई। कहाँ पर है ये? ये आपका नेपाल में है। सागरमाथा भी कहते हैं इसी को, माउंट एवरेस्ट भी कहते हैं, चोमोलिंगम भी यही कहते हैं, ठीक है। अब फिर बफरिंग हो रही है, ऐसा तो नहीं है विकास टेक गुरु, मैं फिर भी चेक कर ले रहा हूँ आप बोल रहे हो तो। वैसे अब तो ठीक चल, अब ठीक है बेटा, अब कोई बफरिंग नहीं है, एक बार आप अपना रिफ्रेश कर लो। चलो नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसके बाद में, हर साल विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया जाता है? ये फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया है ना, अभी 2020 में किया गया, 2020 में, अभी हर साल हुआ करेगा। अब ये क्या है, अभी आपका हर साल हुआ करेगा। एक बीमारी है जो कही जाती है मैक्सिको वगैरह में काफ़ी ज़्यादा होती है, उसका नाम है अमेरिकी या अमेरिको, अमेरिकी ट्रिपेनोसोमियासिस। ये बीमारी है, इस बीमारी से बचने के लिए किया जाता है भाई, है ना। हाँ ये ठीक है, नोबोफ्रेंग। तो इसका है 14th of April, जिस दिन B.R. अंबेडकर साहब का बर्थडे भी होता है। B.R. अंबेडकर का बर्थडे होता है 129वां, कल सेलिब्रेट किया गया है, 129 जो था वो कल था, ठीक है, हाँ 14th April को। नेक्स्ट कहते हैं, ये बीमारी मैंने आपको बताया जो साउथ अमेरिका है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है, साउथ अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका में, है ना, मैक्सिको वगैरह में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट भाई, अभी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वर्ष 2000 का किसमें, अभी जो कौन से ईयर में इनको मिला था भारत रत्न? क्वेश्चन जो बोल रहा है कि भारत रत्न जो था उनको कब मिला था, ये आपका CGL में आ चुका है, SSC CGL में ये क्वेश्चन पूछा गया था, किस ईयर में मिला था डॉक्टर B.R. अंबेडकर को, तो 1990, ये तो आंसर ही सामने आ गया बेटा, ये तो आंसर ही सामने आ गया। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्थान को स्मार्ट स्टेथोस्कोप आयु डेविस के लिए पेटेंट मिला? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट गॉट अ पेटेंट फॉर द स्मार्ट स्टेथोस्कोप आयु डेविस? आयु डेविस के नाम से कौन सा है? IIT दिल्ली, रुड़की, बॉम्बे, मद्रास, कौन सा है? जल्दी जल्दी बता दो आप लोग मेरे को, कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, जल्दी से बताइए, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होना चाहिए? IIT दिल्ली, रुड़की, बॉम्बे या फिर मद्रास? कौन सा? आयु डेविस के नाम से। बहुत सारे क्वेश्चन बढ़ गए हैं आपके कोरोना वोराना के चक्कर में, बहुत सारे आपके क्वेश्चन बढ़ गए हैं, ध्यान रखना, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कोई भी किसी भी टाइप का। तो ये बेटा इसका सही आंसर आपका क्या होना चाहिए भाई? इसका सही आंसर है आपका क्या है इसका करेक्ट आंसर? हाँ ठीक है, बॉम्बे, IIT बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर IIT बॉम्बे। नेक्स्ट, सौर मंडल में हरा ग्रह कौन सा है? ग्रीन प्लेनेट के नाम से कौन सा जाना जाता है? प्लूटो, वीनस, यूरेनस या मार्स? प्लूटो, ये तो यम, ये वाला तो अभी फिलहाल प्लेनेट नहीं है, नॉट प्लेनेट, है ना, लेकिन इसको लाने की वापस से बात चल रही है, ठीक है। ये शुक्र हो गया, ये यूरेनस का मतलब होता है अरुण, मार्स का मतलब होता है वरुण। तो जल्दी से बता दो क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होना चाहिए, जल्दी जल्दी बता दो भाई मेरे को। हाँ बॉम्बे तो हो गया बेटा, हाँ यूरेनस भी बिल्कुल ठीक है, यूरेनस इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई हमारा, निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मौलिक अधिकार असंशोधनीय है? पहला लिखा है AK गोपालन मामला, मतलब कैसा, कौन सा ऐसा था जिसमें ये माना गया था, क्या माना गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फंडामेंटल राइट जो हैं वो क्या है, उनको हम अनअमेंडेड है, ऐसा कह सकते हो, अमेंड नहीं कर सकते, अमेंडेड नॉट अमेंडमेंट, है ना, उनमें क्या नहीं कर सकते, अमेंडमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये केशवानंद भारती, MC मेहता, D और लिख देता हूँ, D इसमें से गायब है, D है आपका गोलकनाथ, D हमने लिख ले रहे हैं, गोलकनाथ केस जो है आपका 1967 का है। तो कौन सा होना चाहिए इसमें से करेक्ट आंसर मेरे को बता दो, चौथा मैंने आपके सामने लिख दिया है, पहला है AK गोपालन, दूसरा केशवानंद भारती, तीसरा आपका MC मेहता और चौथा आपका गोलकनाथ। तो करेक्ट आंसर क्या है बेटा जी? नहीं, केशवानंद भारती नहीं है, करेक्ट आंसर इसका D है, गोलकनाथ केस। केशवानंद भारती ने कहा था हो सकता है,
केशवानंद ने कहा था हो सकता है, गोलकनाथ ने कहा था नहीं हो सकता, गोलकनाथ केस है। नेक्स्ट कहता है पपीते का जो रंग होता है भाई येलो कैसा होता है, पपीते का येलो जो पपाया का जो कलर होता है वो होता है येलो, क्यों होता है, क्या रीज़न है, कैरी का जोनथिन की वजह से, पोटेशियम नाइट्रोजन नाइट्रेट की वजह से, लाइकोपीन की वजह से या पपेन की वजह से, जल्दी से बताइए क्यों होता है, जल्दी जल्दी बताओ पपीते का किसकी वजह से होता है, क्या उसमें ऐसा पाया जाता है जिसमें जिसकी वजह से ये होता है, बताइए जल्दी क्यों होता है, पीला रंग जो होता है उसका कारण क्या है। हाँ बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है आपका, पपीते का जो रंग पीला होता है भाई वो किसकी वजह से होता है, वो आपका ये पिगमेंट है कौन सा वाला, कैरी कॉन्जेंथिन, क्या है कैरी कॉन्जेंथिन जो होता है इसकी वजह से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फिल्म एंड टीवी, फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ है, फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, तो कहाँ पर है जल्दी जल्दी बता दो, उसका आंसर तो आपका करेक्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक बार फिर चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल सही चल रही है क्लास, कोई बफरिंग नहीं है, नो बफरिंग, करेक्ट आंसर क्या है इसका, पुणे में, राजकोट में, पिंपरी में या पेराम्बूर में, तो करेक्ट आंसर है भाई पुणे में, कहाँ पर है ये, हाँ पप्पी है बेटा, पप्पी है, बात सही कह रहे हो आप, पिल्ला है एक छोटा सा, तो पुणे महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है BCG, टीका लगता है ना BCG का, उसकी फुल फॉर्म क्या है, बच्चों को जो टीका लगाया जाता है BCG का टीका उसकी फुल फॉर्म क्या है, बेसिलस कॉलरा जर्म, बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन, बेसिलस क्यूरेटिव जीन या कॉलरा ग्यूरिन, क्या होता है इसका फुल फॉर्म ऑफ BCG, जल्दी जल्दी बताओ, बाकी शेयर करो जल्दी से, फुल फॉर्म ऑफ BCG बता दो आप लोग मेरे को, फुल फॉर्म ऑफ BCG जल्दी बताओ क्या होना चाहिए, BCG की फुल फॉर्म क्या है, क्या होता है, हाँ इसका जो आपका आएगा ये आएगा बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन, छोटे छोटे बच्चों को देखा है ना, घर में कोई बच्चा होगा जरूर लगने जाता होगा, तो बी ऑप्शन है बेटा। नेक्स्ट आता है मैन बुकर प्राइज़, ये जो मैन बुकर प्राइज़ है ये पहले CWG कंट्री होते हैं, CWG राष्ट्रमंडल समूह जो होता है उसके लोगों को मिलता था, अब तो सबको मिलता है, राष्ट्रमंडल समूह के जो सदस्य होते थे, राइटर जो होते थे उनको मिलता था पहले, है ना, लेकिन अब क्या होता है 1968 से स्टार्ट एस्टेब्लिश किया गया था, 1969 से देना स्टार्ट किया था, पहला PS न्यूबई नाम का बंदा था, PS न्यूबई ब्रिटेन के रहने वाले थे उनको मिला था, फर्स्ट इंडियन कौन है क्वेश्चन ये बोल रहा है, फुल्ली इंडियन की हम बात कर रहे हैं, पूरी तरीके से इंडियन जो महिला है वुमेन है वो कौन है, किरण देसाई, VS नायपाल, सलमान रुश्दी, अरुंधति रॉय, तो भाई सलमान रुश्दी तो हो ही नहीं सकते क्योंकि वुमेन की बात कर रहा है, महिला की बात कर रहा है, नायपाल भी नहीं हो सकते, बात आती है किरण देसाई या फिर अरुंधति रॉय में, तो कौन है 2007 में उनको मिला है, जो मिला है नहीं सॉरी 1997 में उनको मिला है, अरुंधति रॉय को मिला था, किसको मिला था? बिल्कुल ठीक है, और बुक का जो नाम है वो कई बार एग्जाम में आता है, इस बार पूछा गया था इस बुक का नाम क्या है जिसके लिए मिला था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, है ना, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के राइटर कौन है, इस बार CHSL में क्वेश्चन आया था, स्मॉल थिंग्स, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग ऐसे ही लिखा मिलेगा, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो पहले इंडियन कौन थे, फर्स्ट इंडियन सलमान रुश्दी हैं, फर्स्ट इंडियन है 1981 में मिला था, लेकिन ये इंडिया में रहते नहीं है, ये ब्रिटिश इंडियन है, भारतीय मूल के हैं, ये ब्रिटिश इंडियन है, इनकी जो बुक थी उसका नाम था फ्रीडम एट मिडनाइट, क्या नाम था, फ्रीडम एट मिडनाइट, किसकी बुक थी ये थी आपका, जो नाम आपका लिखा हुआ है क्या लिखा है, सलमान रुश्दी की बुक का नाम था, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लार्समैन हिल जो है वो कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका या फिर भैया चंद्रमा पे या फिर यूरोप में, जल्दी जल्दी आप लोग मेरे को बता दो कहाँ पर है, जल्दी से बता दो कहाँ पर है, कहाँ पर है लार्समैन हिल जो है वो आपकी कहाँ पर है, जल्दी जल्दी बताइए, उसका तो अरुंधति राय हो गया, अंटार्कटिका में, कहाँ पर है ये, अंटार्कटिका में, लार्समैन हिल जो है वो आपका अंटार्कटिका में, अरुणाचल प्रदेश में नामचिक नमफुक, ये जो चीज़ है किसके लिए प्रसिद्ध है, नामचिक नमफुक ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, कोयले के लिए, ऑयल एंड नेचुरल गैस के लिए, बॉक्साइट के लिए या जिंक के लिए, तो जल्दी से बताइए भाई किसके लिए ये फेमस है, आप लोग जल्दी जल्दी बताओ, बाकी शेयर करते रहो, नहीं बेटा मेरा पप्पी नहीं है,
किसी और के यहाँ का है, पड़ोस वड़ोस में से आवाज आती है, होता है ना छोटा सा, शुरू होते ही जो खत्म हो जाता है वो वाला है, जो करता कुछ नहीं है सिर्फ भोगता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? हाँ, पैमेरियन जो होता है, कोल है इसका। क्या आंसर है? करेक्ट आंसर इज कोल। आप लोग पढ़ाई में जान दो, ऑथर में बहुत कन्फ्यूजन होता है बेटा, बता दूंगा इनका तरीका क्या होता है, बता दूंगा। नेक्स्ट है चुटक नाम की जल विद्युत परियोजना है, हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्लांट है। ये कहाँ पर है, कौन से स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में? रिवर बता देता हूँ, सुरू रिवर है। रिवर जो है वो है आपकी सुरू। नदी जो है वो कौन सी है भाई? वो सुरू रिवर है, सुरू रिवर। और जो इंडस है, इंडस की ट्रिब्यूटरी है। जो इंडस रिवर है उसकी क्या है? ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी। इंडस की ट्रिब्यूटरी है, सिंधु नदी की है। तो कहाँ पर है आप बता दो, कहाँ होना चाहिए? कोल था भाई उसका। इसका करेक्ट आंसर आपका हो गया जम्मू एंड कश्मीर। करेक्ट आंसर क्या हो गया? जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट, हाल ही में ई नैम, इसकी एक दिन मैंने फुल फॉर्म आपको बताई थी मॉर्निंग क्लास में, पोर्टल ने कार्यान्वयन के 4 साल पूरे कर लिए हैं। ई नैम का मतलब किससे है? लिखा रिसेंटली ई नैम पोर्टल कंप्लीटेड 4 ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, ई नैम इज रिलेटेड टू। मैंने एक दिन आपको पोर्टल वगैरह बताए थे, ऐप वगैरह जो इम्पोर्टेंट थी उस पर एक स्पेशल क्लास ली थी मॉर्निंग में 10:45 पे। तो बता दो जल्दी से क्या है, पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन से है, एग्रीकल्चर से, स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलती है या LPG वगैरह है बेटा, कौन सा होना चाहिए? इसकी फुल फॉर्म ई से तो इलेक्ट्रॉनिक हो गई, और नैम मतलब नेशनल हो गया, एन मतलब हो गया नेशनल, और ए मतलब ए से क्लियर हो जाना चाहिए एग्रीकल्चर, ए से ही आपका क्लियर हो जाना चाहिए एग्रीकल्चर। और एम मतलब हो गई भाई मार्केट, एम का मतलब क्या हो गया? मार्केट। करेक्ट आंसर आपका हो गया एग्रीकल्चर, फार्मर्स को इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, बिल्कुल सही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड नियर बाई स्पॉट टू हेल्प यूजर फाइंड लोकल स्टोर सेलिंग एसेंशियल्स, निम्नलिखित में से किसने उपयोगकर्ताओं को आवश्यक सामान बेचने वाले स्थानीय स्टोर खोजने में मदद करने के लिए नियर स्पॉट लॉन्च किया है, जिससे आप कोविड कोरोना जो वायरस है उससे बचते रहें, इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिलती रहे? तो फ्लिपकार्ट, फोनपे, पेटीएम, गूगल पे, किसने किया है, किस नाम से? नियर स्पॉट के नाम से। नियर स्पॉट के नाम से किसने किया है? जल्दी जल्दी बता दो बेटा, नियर स्पॉट के नाम से किसने किया है? किसने किया है? गूगल पे ने किया है भाई। किसने किया? गूगल पे ने किया है। आप अनअकैडमी पर भी हमारा गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं अनादि 10 कोड यूज करके। नेक्स्ट आपका आता है सर थॉमस स्टैमफोर्ड रैफल्स, इस बंदे को कहा जाता है किसी देश के आधुनिक राष्ट्र का संस्थापक, आधुनिक राष्ट्र का संस्थापक, वेटिकन सिटी, सिंगापुर, साइप्रस या न्यूजीलैंड। तो जल्दी से बताइए भाई किसका कहा जाता है, कौन सा कंट्री है जिसका इसको कहा जाता है, किसका कहा जाता है? थॉमस स्टैमफोर्ड रैफल, कौन सा है ये? डच जो ईस्ट इंडीज कंपनी थी ना, डच उसमें रहा था ये, डच ईस्ट इंडीज कंपनी में रहा था, नीदरलैंड वाली में है ना, उसका ये मेंबर रहा था। तो उसने जो फाउंडेशन रखा था वो मेनली किसका रहा था? सिंगापुर का रखा था, इसीलिए सिंगापुर का कहा जाता है उसको, ठीक है ना, सिंगापुर का कहा जाता है। अब आता है वन लाइनर फॉर्म में, जिस तरह से हम लोग क्वेश्चन करते हैं वो देख लेते हैं जल्दी जल्दी। हाँ बिल्कुल ठीक है आपका, साइप्रस नहीं है लेकिन सिंगापुर वाले बच्चे ठीक हैं। नेक्स्ट है द कैबिनेट हैज़ डिसाइडेड टू सस्पेंड द MP फंड फॉर द हाउ मेनी ईयर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड कोरोना वायरस क्राइसिस, फॉर द एमिड द कोरोना वायरस क्राइसिस। कहने का मतलब है कोरोना वायरस से बचाव के लिए सरकार ने हेल्प देने का प्लान किया, तो उन्होंने कहा भाई तो सांसद निधि मिलती है वो हम नहीं लेंगे, सांसद निधि जो दी जाती है वो हम लोग नहीं लेंगे, पर ईयर 5 करोड़ रुपये मिलते हैं एक सांसद को, पर ईयर कितने मिलते हैं? 5 करोड़ रुपये मिलते हैं। तो कितने साल के लिए? इस पर मैंने एक स्पेशल क्लास ली थी रात को 8 बजे, तो इस पर क्यों मिलता है, कितनी सैलरी मिलती है सब बताया था मैंने बेटा। तो ये है 2 साल के लिए उन्होंने टाल दिया है, कितने साल के लिए? 2 ईयर के लिए इसको टाल दिया है। नेक्स्ट है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री मोहम्मद जिबरील डाइड रिसेंटली ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू कोविड-19। ये कोविड-19 जो है कोविड-19 से की वजह से ही निधन हुआ, डेथ हो गई है, जो पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, पहले कहाँ पर, किस कंट्री में रह चुके हैं? तो भैया लीबिया के PM थे, जिनकी डेथ हो गई है अभी रिसेंटली। नेक्स्ट कहता है किस भाषा के मशहूर संगीतकार MK अर्जुन, इनका हाल ही में अभी डेथ हो गया, उनके आवास पर निधन हो गया कोच्ची में। अब बात आती है कोच्ची है, तो कोच्ची भाई आपका कहाँ पर है? कोच्ची से आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, कोच्ची जो है वो आपका केरल में है। कोच्ची क्या है? केरल में है। कभी कभी क्वेश्चन ना सेंस से लग जाता है, और केरल की जो लैंग्वेज है वो कौन सी है, वही लैंग्वेज एग्जाम्पल आंसर में आ जाएगा, है ना।
वही लैंग्वेज आपका आ जाएगा। मोहित मित्तल, थैंक यू भाई, थैंक यू, लव यू टू। तो क्या आएगा, मलयालम आएगा, क्या आएगा, मलयालम लैंग्वेज आएगा, केरला की लैंग्वेज है मलयालम। नेक्स्ट कहता है, रिसेंट रिपोर्ट फोकस्ड ऑन द इकोनॉमी ऑफ साउथ एशिया, द वर्ल्ड बैंक सेड दैट द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन 2020-21 विल बी बिटवीन व्हाट द परसेंट, कितनी डाउन होने का चांस है, डेढ़ से, कल मैं बता रहा था डेढ़ से ढाई बोल रहा था, डेढ़ से 2.8 एक्चुअली, डेढ़ से 2.8 है, मतलब ये बोल रहे हैं कि 1990-91 के आसपास पहुंच जाएंगे हम लोग, है ना। भारतीय सेना ने सियाचिन दिवस मनाया है, भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने सियाचिन डे मनाया है, सियाचिन डे सेलिब्रेट किया है, पाकिस्तान से एक बार जीते थे हम लोग यहाँ पर, 13 अप्रैल को सेलिब्रेट किया है, कब किया है, 13 अप्रैल को किया है। नेक्स्ट कहता है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस इकोनॉमिक अपडेट, विच कंट्री इज लाइकली टू हैव द वर्स्ट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट सिंस द लिबरलाइजेशन ऑफ 2021 ड्यू टू कोविड-19। कहने का मतलब है, विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस आर्थिक अद्यतन के अनुसार कोविड-19 में 1991 के उदारीकरण के बाद सबसे खराब रहने की संभावना की बात की है, किसकी, भारत की, किसकी, भारत की, और ये 1.5 से लेकर 2.8 के बीच की बात हुई है, अभी अभी हमने बात की थी, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपका ये पॉइंट है, ठीक है, क्लास सही चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, गिवन द रिसेंट इफेक्टिव ऑफ कोविड-19 इन द इकोनॉमिक सेक्टर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू एग्री अ करेंसी एक्सचेंज अग्रीमेंट विद द विच कंट्री टू डील विद अनसर्टेनिटी इन द कमिंग डेज, मतलब जो भी मुद्रा विनिमय है उसमें जो प्रॉब्लम झेलने को मिल रही हैं, तो किस देश के साथ मुद्रा विनिमय, मतलब मुद्रा विनिमय का मतलब होता है करेंसी का एक्सचेंज करना, अमेरिका, क्योंकि भाई अमेरिका से हमारा जो डॉलर है, डॉलर्स में ही तो मेनली इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं हम लोग, इसीलिए। बस बेटा आज की क्लास यहीं छोड़ते हैं, और भाई मेरे साथ अनअकैडमी पर जुड़ने के लिए, अनअकैडमी की आप लोग लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, गोल अपना सेलेक्ट कीजिए, जैसे आपका SSC है, रेलवे है, DRDO है, जो भी है, और जो उसके एडुकेटर आपका वाइफ है, स्टडी है। ध्यान में रखने वाला पॉइंट ये है कि आप कोड जो यूज़ करेंगे वो Anadi10 कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। बाकी हम लोग 8 PM पर फिर से मिलेंगे इस क्लास में, 8 PM पर, और ये आपका तरीका है, चाहे आप गूगल पे से यूज़ करें, चाहे आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से करें, याद रखना है Anadi10, ये आपको कोड यूज़ करना है। और टेलीग्राम पर मेरा लिंक है भाई, ये वाला मेरा लिंक है, तो आप इसके थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल, जल्दी से 8 PM वाली क्लास में मिलेंगे। जो बच्चे अनअकैडमी पर जुड़ना चाहते हैं जल्दी से आ जाओ, अभी भी आपके पास वक्त है, ठीक है, अभी भी आपके पास वक्त है। थैंक यू सो मच, थैंक यू गीत सोलंकी बेटा।